हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग नीट और बोर्ड क्लास 12th के लिए हम लोग बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किए हुए थे, और इसी के कंटिन्यूशन में मैंने एक टॉपिक को लिया था जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हम लोगों का ये टारगेट था कि एक सिंगल शॉट में कम्प्लीट फोटोसिंथेसिस को कम्प्लीट करें वन शॉट में। तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इसका मैंने पार्ट वन बनाया, जहाँ पर मैंने इसका स्टार्टिंग से लेकर फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन से लेकर अप टू कैल्विन साइकिल तक कंप्लीट किया, डार्क रिएक्शन का कैल्विन साइकिल। आज हम लोग इस सेशन को सेकंड, इस वीडियो का सेकंड सेशन होगा जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिमेनिंग टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे आज। तो फर्स्ट वीडियो का लिंक आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो सेकंड सेशन में फोटोसिंथेसिस का, उसमें बचे हुए टॉपिक को करके कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक कर सकते हैं लाइट रिएक्शन और एक डिवाइड कर सकते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग NADPH और ATP का सिंथेसिस होगा, जिसका डिटेल में हम लोगों ने देखा हुआ है। ये कैसे बनेगा? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी किया हुआ है। और जब ये NADPH और ATP जो स्टिक लाइट कंडीशन में होगा, तब वो डार्क रिएक्शन में इसको यूज़ करके CO2 को फिक्स किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, और इससे ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर डार्क रिएक्शन में एक साइकिल को मैंने डिस्कस किया, जिसका नाम था कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल भी बोलते हैं इसको। तो इसको डिस्कस किया है। आज मैं डार्क रिएक्शन के बचे हुए साइकिल को कंप्लीट करूँगा, जिसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन, या इसी का नाम है C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। तो जैसा नाम बता रहा है, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट where O2 is utilized and CO2 is released in presence of sunlight. तो sunlight के presence में अगर ये काम हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग आ रहे हैं कि ये C2 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा C2 साइकिल। देखिए, ये यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रूबिस्को जो इंजाइम है, मोस्ट एबंडेंट इंजाइम ऑफ दिस यूनिवर्स, जो कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करता है, इसके पास में दो प्रॉपर्टी है। एक है ये कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी। कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी तब होगा जब ये CO2 के साथ बाइंड करेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी। ये दोनों ड्यूअल रोल है, ड्यूअल रोल यानी दो रोल कर सकता है एक ही एंजाइम। तो हम लोगों ने कैल्विन साइकिल में इस प्रॉपर्टी को, कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी के ऊपर बात किया, इसके ऊपर कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तब ये ग्लूकोज को फिक्स करेगा। लेकिन हर एक बार ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.05%। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है ऑक्सीजन कंपैरिजन में, तो नहीं चाहते हुए भी रूबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाएगा? ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी यानी ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। जैसे सपोज O2 और RuBP, ये अब कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, ऑक्सीजन है, RuBP 5 कार्बन का है सबस्ट्रेट, जो रूबिस्को इंजाइम के साथ बाइंड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, कार्बन का नंबर 0 है, यहाँ 5 कार्बन है। तो रूबिस्को इस 5 कार्बन को ही ब्रेक करेगा, पहला मॉलिक्यूल बनाएगा 3PG, जो कि 3 कार्बन का है, और रिमेनिंग 5-3 2 कार्बन का प्रोडक्ट बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज का फिक्सेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल PGA का था। याद कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, उसके लिए 2 PGA के 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे, तभी रिडक्शन प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ तो 3 PGA 1 है और 2 कार्बन, तो ये दोनों कैल्विन साइकिल स्टार्ट नहीं कर सकते, और कैल्विन साइकिल स्टार्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, और इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो अब क्या रास्ता है?
रास्ता ये है कि ये टू कार्बन जो बना उसको किसी तरीके से थ्री कार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जिस प्रोसेस से कन्वर्ट करेंगे उसी को बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे। होप सो ये क्लियर है कि हम लोग फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने वाले क्या है। टू कार्बन का प्रोडक्ट को थ्री कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर तीन ऑर्गेन पार्टिसिपेट करेंगे, तीन ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करेंगे। पहला होगा ये क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है यहाँ पर पेरोक्सीजोम, और तीसरा यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन ऑर्गेनेल है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है पेरोक्सीजोम, और ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये सब प्रेजेंट है मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल क्या होता है? लीफ का सेल ये जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, इसी के ऊपर पूरे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? मीजोफिल्स। मीजोफिल्स लीफ में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये तीनों ऑर्गेनेल है, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म से ये कनेक्ट होगा थ्रू, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये से बाहर से यहाँ पर, यहीं पर मीजोफिल्स में ऊपर क्या लगेंगे? एस्टोमाटा। तो ये एस्टोमाटा है, एस्टोमाटा ओपन हुआ। अब क्योंकि O2 का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो ये O2 यहाँ पर RuPP के साथ बाइंड करेगा और ये बनाएगा 3PGA का वन मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन का है। रिमेनिंग क्योंकि ये 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में से 3 कार्बन माइनस किया तो एक मॉलिक्यूल, दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो 2 कार्बन का बनेगा और उस 2 कार्बन को बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का है। अब ये किसके प्रेजेंस में होगा? रूबिस्को। कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ देख रहे हैं रूबिस्को के? ऑक्सीजिनेज। अब ये 2PG जो है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये अपना फॉस्फेट डोनेट करेगा और कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोलेट में। ये सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। अब ग्लाइकोलेट यहाँ से साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से फिर पेरोक्सीजोम में जाएगा। तो ये आ गया ग्लाइकोलेट। अब यहाँ पर ग्लाइकोलेट कन्वर्ट करेगा ग्लाइऑक्सीजोम में। ग्लाइऑक्सीजोम लिखा है, ग्लाइकोलेट इधर है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है ऑक्सीडेज। ये एंजाइम मार्कर एंजाइम कहलाता है और इसी के साथ में यहाँ पर H2O2 भी प्रोड्यूस होगा। अब आ रहे हैं कि ये ग्लाइक्सिजोम जो बना वो नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेगा यहाँ पर ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन एमाइनो एसिड है तो ये एमाइन ग्रुप ऐड किया जाएगा क्योंकि ग्लाइक्सोजोम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें एमाइन ग्रुप नहीं है। तो ये एमाइन ग्रुप कहीं से लेगा, तो डोनर होगा कोई एमाइन ग्रुप का, वो है ग्लूटामेट। तो वो एमाइन ग्रुप दिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज़ किया एमाइन ग्रुप, ये रिलीज़ किया एमाइन ग्रुप, और एमाइन ग्रुप कहाँ चला गया? इस रिएक्शन में ग्लाइक्सोजोम के साथ में जो बन गया ग्लाइसिन। ओके ठीक है। अब ये यहाँ से निकलेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और ये ग्लाइसिन यहाँ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ग्लाइसिन कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो मुझे बनाना 3 कार्बन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ग्लाइसिन वेट करेगा और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है O2 से RuPP जो डिस्कस किया अप टू ग्लाइसिन, फिर से ये पूरा का पूरा 2 राउंड चलेगा। 2 राउंड, तो 2 राउंड चला तो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल कितने बन गए? 2 मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन × 2 टोटल 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन में से अब बनाया जाएगा सेरीन। तो सेरीन जो बना वो कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन। सेरीन का स्ट्रक्चर क्या है? CCOOH NH2 H और CH2OH, ये है सेरीन। कितने कार्बन का देख लीजिए? 1, 2, 3, 3 कार्बन का। तो 1 कार्बन रिलीज होगा, 1 कार्बन जो रिलीज हुआ यहाँ पर, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसको मैं बाद में इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करूँगा। CO2 ये रिलीज हुआ सेरीन। अब यहाँ से एक एमाइन ग्रुप भी रिलीज होगा क्योंकि ग्लाइसिन के पास 2 एमाइन ग्रुप है और सेरीन के पास 1 है, तो 1 एमाइन ग्रुप यहाँ रिलीज हुआ। सेरीन यहाँ से निकला, साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म से इंटर किया फिर से पेरोक्सीसोम में। सेरीन से कन्वर्ट करेगा अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में एमाइन ग्रुप नहीं है,
सेरीन में एमाइन ग्रुप है, वो एमाइनो एसिड है, तो यहाँ से NH3 रिलीज होगा, NH3 रिलीज हुआ, और ये किसको दे दिया, ये दे दिया इस अल्फा कीटोग्लूटेट को, वो बन गया ग्लूटामेट में, तो वापस से ग्लूटामेट रिक्रिएट हो गया। तो ग्लूटामेट एक हाथ से अमोनिया दे रहा है, अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट कर रहा है, और अल्फा कीटोग्लूटेट अमोनिया फिर से ले रहा है और फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। अब हाइड्रोक्सी पायरेवेट कन्वर्ट करेगा यहाँ पर ग्लिसरेट में। अब कार्बन का नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो सेरीन 3 कार्बन, तो हाइड्रोक्सी पायरेवेट भी 3 कार्बन, ग्लिसरेट भी 3 कार्बन। ग्लिसरेट यहाँ से आएगा साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म से इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पर ग्लिसरेट जो है 3 कार्बन का है और उसको बनाना 3 PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसका फुल फॉर्म है, तो इसमें एक फॉस्फेट ऐड करना होगा, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट आएगा ATP से, ATP इंटर किया, कन्वर्ट किया ADP, प्लस जो PI रिलीज होगा वो PI इसके साथ अटैच हो जाएगा, 3 PG 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। दूसरा यहाँ बन के वेट कर रहा है, ये दोनों अब कैल्विन साइकिल स्टार्ट करेंगे और इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीसोफिल सेल्स। होप सो ये समझा। तो इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, जैसे ग्लाइसिन से सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके एंजाइम यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो इस पूरे रिएक्शन में देख रहे हैं कि कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा पाथवे को चलना पड़ा, यानी 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को 3 PGA में कन्वर्ट करना पड़ा, जिसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसके लिए एक ATP का जरूरत पड़ा, एक ATP का यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है। तो कैल्विन साइकिल में मुझे मालूम है कि 1 राउंड जब कैल्विन साइकिल चलेगा तो उसके साथ में ये C2 साइकिल भी 1 राउंड चलेगा, और इसमें सिर्फ C2 साइकिल के लिए 1 ATP एक्स्ट्रा लग रहा है, देख रहे हैं, ग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने में 1 ATP, और 1 राउंड कैल्विन में हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर 3 ATP है और 2 NADPH है, ये 1 राउंड के लिए, ये 3 ATP और ये 1 ATP टोटल मिल गया, मतलब यानी 1 राउंड पूरा अगर ये चलाना है मुझे C2+C3 साइकिल, तो यहाँ पर टोटल हो गया 4 ATP, 3 यहाँ का और 1 इसका, और 2 NADPH। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितना राउंड चलाना होगा, 6 राउंड, तो 6 राउंड के लिए 6 × 4 ATP प्लस 2 NADPH से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 24 ATP प्लस 12 NADPH। तो ये उस प्लांट में होगा जिसमें फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर C2 साइकिल जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, पहला कि ATP, मोर ATP रिक्वायर्ड है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अब कितना लग रहा है देख लीजिए, 24 ATP और 12 NADPH, तो ये हो गया 6 ATP मोर चाहिए इस रिएक्शन को, ठीक है, पहला। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन सिर्फ 75% हो रहा है, अब वो कैसे हो रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर ग्लाइसिन में कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन ग्लाइसिन का, 2 मॉलिक्यूल तो 4 हो गए, 4 में से सिर्फ 3 को फिक्स किया जा रहा है, एक लॉस हो रहा है, ये लॉस है, तो कितना परसेंट लॉस हो गया, 25%, 4 में से 1 को लॉस कराया जा रहा है, तो कितना परसेंट फिक्स होगा, सिर्फ 75%। तो दूसरा वेस्टफुल होने का रीज़न ये है कि 25% ऑफ कार्बन इज लॉस इन फॉर्म ऑफ CO2, जो नहीं होना चाहिए, कार्बन CO2 को फिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, ना कि लॉस कराने के लिए, और ये लॉस हो रहा है, देख रहे CO2 लॉस हो रहा है, और O2 में O2 यहाँ एंटर कर रहा है, तो ये तो एनिमल की प्रॉपर्टी आ गई, जो रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं इसको, प्लांट O2 के साथ बाइंड करने के लिए और CO2 को रिलीज करने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उल्टा CO2 के साथ बाइंड और O2 को रिलीज के लिए जाना जाता है, इसलिए इस प्रोसेस का बन गया नाम फोटो रेस्पिरेशन। होप सो ये समझा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया। अब आ रहे हैं दूसरा C4 साइकिल। C4 साइकिल को हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम दिया था, जिनका नाम था हैच एंड स्लेक। यहाँ पर मीजोफिल्स के अलावा बंडल शीट भी रहता है, इसके अलावा यहाँ पर
क्रेंज एनाटोमी होगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट यहाँ दो तरीके के होंगे, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। उसके अलावा फास्टर फास्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। उसके अलावा यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्लस लो वाटर में यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मैंने लिखा। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होगा। अब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने की वजह से ये मोर एफिशिएंट है। एग्जांपल मेज जिसको कॉर्न भी बोलते हैं, सॉर्गम, राई, बार्ली, उसके बाद में यहाँ पर शुगर कैन, यस शुगर कैन, उसके बाद एमरेंथस, ये सब में C4 साइकिल होगा। तो यहाँ पर C4 साइकिल में समझना क्या है, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर पहला सेल है मीजोफिल्स, और ये मीजोफिल्स के सेल वॉल है जो कि कनेक्टेड होंगे दूसरे सेल वॉल सेल से, दैट इज कॉल्ड बंडल शीथ। ये बगल में क्या है, बंडल शीथ। तो ये वाला नीचे वाला है बंडल शीथ, ऊपर वाला जो है वो है मीजोफिल्स। अब यहाँ पर ये जो मीजोफिल्स है, ये वाला ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये मीजोफिल्स जो सेल हैं, ये सेल्स ऊपर की तरफ होंगे, ये टुवर्ड सरफेस है, और ये वाला जो बंडल शीथ है ये डीप इनसाइड है, डीप इनसाइड। इसलिए यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा। अब मीजोफिल्स में ही क्या रहते हैं, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा ओपन है, तो ओपन है तो यहाँ बाहर से क्या होगा, CO2 भी आएगा और O2 भी आएगा। तो यहाँ पर नेचर ने क्या किया, क्या एडाप्टेशन है, यही समझना है। देखिए यहाँ पर रूबिस्को एबसेंट कर दिया जाएगा, रूबिस्को इज नॉट प्रेजेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि रूबिस्को दोनों के साथ बाइंड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, तब तो ठीक है केल्विन साइकिल स्टार्ट करेगा, लेकिन O2 के साथ बाइंड करेगा तो ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, अभी ऊपर देख चुके हैं, जिसमें 75% ही एफिशिएंसी रहेगी। तो नेचर ने क्या किया कि रूबिस्को दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, इसलिए रूबिस्को को यहाँ से हटाओ मेसोफिल से। यहाँ पर क्या रखो, ऐसा एंजाइम जो कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिकॉग्नाइज करे, उस एंजाइम का नाम है PEPKs, उस एंजाइम का नाम है PEP फॉस्फिनल पायरवेट कार्बोक्सिलेज। इसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी है, और इस सब्सट्रेट का नाम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस का 9th नंबर स्टेप में बनता है। खैर तो ये वाला, ये कितने कार्बन का है, ये खुद है 3 कार्बन का, और यहाँ पर है 1 कार्बन, तो ये दोनों कंबाइन करके 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसका नाम है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट करेगा मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड कितने कार्बन का, 4 कार्बन, और ये मेलिक एसिड आ जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा से कहाँ, बंडल शीट में। तो ये मेलिक एसिड आ गया, कितने कार्बन, 4 कार्बन। ये मेलिक एसिड कन्वर्ट करेगा अब CO2 में, 1 कार्बन रिलीज हुआ तो बचा कितना, 3 कार्बन। ये बनाएगा पायरुवेट, 3 कार्बन का पायरुवेट। अब ये चला जाएगा यहाँ वापस से मीजोफिल्स में, और पायरुवेट कन्वर्ट करेगा अब PEP में, बट यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए, तो यहाँ पे इसको इधर दिखा रहा हूँ। पायरुवेट कन्वर्ट करेगा किस में, PEP में, और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है PEP फॉस्फिनल पायरुवेट सिंथेटेज, और यहाँ पर 2 ATP का रिक्वायरमेंट, 2 ATP लगता है और 2 ADP बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ATP का रिक्वायरमेंट है पायरुवेट को फॉस्फिनल पायरुवेट में कन्वर्ट करने में, रीजनरेशन ऑफ फॉस्फिनल पायरुवेट, ताकि ये नेक्स्ट राउंड ऑफ साइकिल स्टार्ट कर सके, CO2 के साथ बाइंड कर सके, ठीक है। तो ये 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहा है, ओके। अब आ रहे हैं ये CO2, ये जो CO2 रिलीज हुआ ये अब बंडल शीत में रहेगा रूबिस्को, यहीं पे क्या होता है, रूबिस्को रहता है, तो रूबिस्को यहाँ पर है, प्लस यहीं पर RUBP भी है, ये दोनों मिलकर अब स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, बंडल शीत में, ऑक्सलोएसिटिक एसिड कहाँ बन रहा है, मीसोफिल्स में। तो यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स
टू टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग हो रहा है या फिक्सेशन हो रहा है, पहला मीजोफिल्स में और दूसरा बंडल शीट, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और, पीईपी सिंथेटिस जो रहता है ये एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी लो टेम्परेचर पे ये काम नहीं करेगा, ये लो टेम्परेचर में नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो इसको काम कराने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, इसीलिए हाई टेम्परेचर में ही ये ग्रो कर सकता है। उसके बाद में तो अब आ रहे हैं कि ये जो बंडल शीट है, बंडल शीट क्या है, ये क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं अराउंड वास्कुलर बंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है थिक कवरिंग अराउंड द वास्कुलर बंडल। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या है, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि दो तरह का क्लोरोप्लास्ट हो, एक मीजोफिल्स वाला और एक बंडल शीट में, दोनों सेल है तो दोनों जगह क्लोरोप्लास्ट होगा। बंडल शीट में जो रहता है क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो होते हैं वो मोर होते हैं, क्लोरोफिल मोर, तो मोर होने की वजह से ये डार्क कलर दिखेगा, डार्क ग्रीन कलर। और यहाँ पर एक चीज़ समझना है, ग्रेनम एब्सेंट होता है, ग्रेनम इज एब्सेंट, जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन आपस में एसोसिएट करके ग्रेनम बनाते हैं वो नहीं होगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन होगा, ग्रेनम नहीं होगा। और मीजोफिल्स में क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल लेस हो जाएगा, लेस, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो होगा लाइट ग्रीन कलर दिखेगा और यहाँ पर ग्रेनम वगैरह प्रेजेंट होगा, ये नॉर्मल है, ग्रेनम इज प्रेजेंट। तो ये दो डिफरेंस होने की वजह से उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। होप सो ये क्लियर है। तो यहाँ पर सारे 100% कार्बन को फिक्स कर रहा है, कहीं भी CO2 को लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्लांट मोर एफिशिएंट है। होप सो ये समझा, कैसे फोटो रेस्पिरेशन को बचाया गया C4 प्लांट। अब आ रहे हैं हम लोग कैम प्लांट, जिसको बोलते हैं क्रसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये इसका एग्जाम्पल पाइनएप्पल, उसके बाद ओपुंशिया, उसके बाद में सेडम, एस्फेरेगस, यूफोर्बिया, ये सब जो प्लांट है, कैक्टस जो कि डेजर्ट में रहता है, तो ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, डेजर्ट या एरिड रीजन में। उसके बाद यहाँ पर लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन है कि फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत लो हो जाएगा। यहाँ पर एस्कोटो एक्टिव एस्टोमाटा होते हैं, एस्कोटो एक्टिव का मतलब है एस्टोमाटा एक्टिव एट नाइट, तो इसको बोलते हैं एस्कोटो एक्टिव, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में, जैसे ये यहाँ पर बंडल शीट वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, ठीक है, ये एब्सेंट है। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, ये हो गया मीजोफिल। यहाँ पर डे के टाइम में तो एस्टोमाटा क्लोज होगा, तो हम लोग नाइट के टाइम से शुरू करते हैं, क्योंकि एस्टोमाटा नाइट के टाइम में क्या होगा, ओपन, एस्टोमाटा ओपन, तो एस्टोमाटा ओपन, तो यहाँ भी CO2 और HO2 दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पर एक जो एंजाइम है वो एंजाइम का नाम है PEP-Cas, तो PEP-Cas के साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सलोएसिटिक एसिड, और ऑक्सलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट करेगा, मेलेट या मेलिक एसिड में, ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 1 कार्बन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं उस एंजाइम का नाम है PEP-Cas, जस्ट लाइक C4 प्लांट, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। तो ये मेलेट दिन रात के टाइम में बना, और रात के टाइम में बनने के बाद में इसको सेंट्रल वैक्यूल में डाल दिया गया, तो मेलेट आ गया सेंट्रल वैक्यूल में, ये है सेंट्रल वैक्यूल, मेलेट यहाँ पर, मेलेट ये रात भर सिर्फ यहाँ पर बनेगा पूरा का मेलेट। अब जब रात होने के बाद में दिन होने लगा, तो अब फॉर एग्जांपल ये इधर मैं लिख रहा हूँ नाइट वाला रीज़न, अब डे टाइम हो गया, तो डे टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई,
62-80 डिग्री टेम्परेचर, तो एस्टोमाटा को ओपन नहीं किया जाएगा, एस्टोमाटा को अब यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। तो एस्टोमाटा को क्लोज करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अगर एस्टोमाटा क्लोज नहीं करेंगे तो यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, असवाल में पहले से वाटर नहीं है, डेजर्ट है, तो एस्टोमाटा क्लोज। और एस्टोमाटा अगर क्लोज हुआ तो यहाँ पर CO2 अब आएगा नहीं, तो CO2 को लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेलेट ऑलरेडी बना दिया गया है। तो मेलेट को अब इससे दिन के टाइम में मेलेट को सेंट्रल वैक्यूल से निकाला गया और उससे CO2 रिलीज कराया गया और बनाया गया पाइरूवेट। तो 3 कार्बन का पाइरूवेट और 1 कार्बन का CO2। अब पाइरूवेट को इसको भेज दिया गया यहाँ और पाइरूवेट से कन्वर्ट हुआ ये फॉस्फेनिल पाइरूवेट एंजाइम PEP सिंथेटेज। कितना ATP लगेगा, 2 ATP यहाँ लगेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर CO2 जो बना रूबिस्को यहाँ पर एक्टिव रहेगा और ये RUBP के साथ में इसको दोनों को कंबाइन करा के क्या स्टार्ट करेगा, C3 साइकिल, जिससे ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज बनाने का काम होगा डे टाइम में, डे टाइम में ग्लूकोज बनेगा, और नाइट टाइम में क्या होगा, मेलेट बना के कार्बन का फिक्सेशन कराया जाएगा। तो जस्ट लाइक मीजोफिल्स में नाइट टाइम के जैसा काम चल रहा है और डे टाइम में बंडल शीट के जैसा काम चल रहा है C4 प्लांट में। अमाउंट ऑफ ATP उतना ही लगेगा। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ ATP मैंने डिस्कस नहीं किया C4 साइकिल में, लेकिन वो क्लियर है क्या है, केल्विन साइकिल जितना बार चलेगा उतनी ही बार ये प्रोसेस ऊपर वाला भी चलेगा। तो यहाँ पर 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहा है, तो बस मैं पूरा का पूरा केल्विन साइकिल, 1 राउंड चला केल्विन साइकिल, तो 1 राउंड के लिए कितना 3 ATP प्लस 2 NADPH रहेगा। और इसमें मैं 2 ATP और ऐड करूँगा, कौन सा स्टेप वाला, पाइरूवेट से फॉस्फेनिल पाइरूवेट का कन्वर्जन यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए ये वाला, तो ये 2 ATP लग रहा है, यही एक्स्ट्रा 2 ATP, तो यही 2 एक्स्ट्रा ATP यहाँ ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे लगेगा 5 ATP प्लस 2 NADPH 1 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल प्लस C4 साइकिल। तो अब यहाँ पर इसको 6 राउंड चलाना होगा ग्लूकोज बनाने के लिए, तो 1 ग्लूकोज के लिए 6 राउंड चलेगा, तो ये हो जाएगा 6×36, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, तो ये हो गया 30 ATP प्लस 12 NADPH। होप सो समझा। लेकिन यहाँ पे ATP का एक्स्ट्रा खर्च कोई माने नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन 100% हो रहा है C4 साइकिल में भी और कैम प्लांट। यहाँ पर कंप्लीट हो गया डार्क रिएक्शन। अब आ रहे हैं यहाँ पर लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो किन्होंने दिया था, ब्लैकमैन ने। इनके अकॉर्डिंग दोज फैक्टर विच विल बिकम फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। इनके अकॉर्डिंग वो लिमिटिंग फैक्टर सबसे पहले लिमिटिंग होगा जो कि सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे A to B रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस या रिएक्शन, और ये गवर्न होता है X, Y और Z 3 फैक्टर से। इसका यूनिट 10 यूनिट है, इसका यूनिट 1 यूनिट चाहिए और इसका है 50 यूनिट। तो कौन लिमिटिंग फैक्टर सबसे कम वाला सबसे पहले लिमिटिंग होगा, तो 1 यूनिट यहाँ पर है, ये सबसे पहले लिमिटिंग होगा। यही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि अगर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस मोर देन 1 फैक्टर पर डिपेंड करता है XYZ पर, तो वो फैक्टर सबसे कम पहले लिमिटिंग होगा जो सबसे कम है। तो वाई यहाँ पर सबसे 1 यूनिट चाहिए या 1 यूनिट में प्रेजेंट है, वही सबसे पहले लिमिटिंग होगा। ये 10 यूनिट प्रेजेंट है, ये 50 यूनिट है, अगर ये पूरा का पूरा यूज़ हो गया तो अब लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा, एक्स, उसके बाद लास्ट में जेड होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना था। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस, वो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर ये दोनों पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर में यहाँ जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है पहला लाइट, फिर दूसरा है CO2, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है वाटर।
और इंटरनल में पढ़ना है फर्स्ट क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है एंड प्रोडक्ट एक्युमुलेशन। अब आ रहे हैं सबसे पहला फैक्टर लाइट, एक्सटर्नल फैक्टर को सबसे पहले देख रहे हैं लाइट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो इसमें दो चीज़ें समझना है, एक तो समझना है लाइट का इंटेंसिटी, 10% लाइट इज सफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 10% लाइट मोर देन सफिशियंट है। तो जैसे अगर मैं इस तरफ में ग्राफ एक प्लॉट करूं, इस तरफ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इस तरफ में लाइट इंटेंसिटी है, तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा अगर बाकी सारे फैक्टर्स ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में है, तो ये ऐसा चलेगा। यानी 10% जब लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी तब वो 100% पर रीच कर जाएगा। अब 10% से ज़्यादा देंगे लाइट तब भी, 20% दे रहे तब भी ये 100% पे, अब बढ़ नहीं रहा लाइट की एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको बढ़ाने के लिए अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गए, ठीक है। तो ये समझना है कि 10% लाइट इज सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला समझ में आ गया लाइट इंटेंसिटी के बारे में। दूसरा यहाँ पर समझना है क्वालिटी ऑफ लाइट, किस तरह का लाइट का क्वालिटी चाहिए। तो ये 400 to 700 नैनोमीटर लैम्डा वैल्यू को चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो विजिबल रेंज का होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्योर से। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है एक ब्लू रीजन पे और एक रेड रीजन पे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, और मिनिमम किस पे होता है, ग्रीन पर, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ लाइट। थर्ड आ रहे हैं ड्यूरेशन, कितना देर रखें तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तो ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस रेट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है, बट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीजिंग। अगर मैं लाइट का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूँ 1 hour to 2 hour कर दूँ, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिक्स होगा। जैसे 5 milligram ऑफ कार्बन का फिक्सेशन 1 hour में हो रहा, तो वही होगा क्योंकि ये मैक्सिमम पे चल रहा है। तो ये रेट नहीं इंक्रीज होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये समझा, तो पहला लाइट का हम लोगों ने समझ लिया। सेकेंड आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज ट्रू लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ये पहले से इन्वायरमेंट में बहुत कम है, 0.03 to 0.04% है। तो ये बहुत कम है, और यही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है, जो ब्लैकमैन ने बताया था कि जो सबसे कम होगा वही सबसे पहले लिमिटिंग होगा, इसलिए CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पर समझना है C3 प्लांट के बारे में, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, और एक है C4 प्लांट में, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो C3 प्लांट को सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में CO2 चाहिए, इसको चाहिए 400 माइक्रोग्राम पर लीटर, सॉरी 400 माइक्रो लीटर पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन, या 450 ppm पर पार्ट मिलियन। और C4 प्लांट को इससे कम चाहिए, इसको चाहिए 360 माइक्रोलीटर पर लीटर या 360 ppm। तो कम कॉन्सेंट्रेशन में ये मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 100%, और ये 100% फोटोसिंथेसिस हो करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए इसको CO2। होप सो ये समझा। तो CO2 के बारे में इतना ही समझना है कि ये ट्रू लिमिटिंग फैक्टर है, और C3 और C4 क्लिक। अब आ रहे हैं तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर सिर्फ समझना है C3 का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 20 to 25 डिग्री, और C4 हायर प्लांट में हायर टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं, तो उनका रेंज है 30 to 45 डिग्री, ये इस पर ऑप्टिमम रहते हैं। उसके बाद आ रहे हैं फोर्थ वाटर के बारे में। वाटर के बारे में सिर्फ वाटर इज़, ये दोनों लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, नॉट ए ट्रू लिमिटिंग फैक्टर, ये भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा अनलेस डेजर्ट हो, डेजर्ट में वाटर कम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। तो यहाँ कितना परसेंट चाहिए, लेस देन 1% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर
फोटोसिंथेसिस। रेस्ट कहाँ होता है, यानी 99% वाटर कहाँ लॉस हो जाता है, लॉस इनटू ट्रांसपिरेशन। तो वाटर इतना कम चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए कि ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता अनटिल और अनलेस ये डेजर्ट में ना हो। तो बस इतना ही समझना है एक्सटर्नल फैक्टर में। अब आ रहे इंटरनल फैक्टर के बारे में। इंटरनल फैक्टर में हम लोग को सबसे पहले समझना है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई रहता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, हाई होगा, ये भी हाई होगा। ये फर्स्ट टाइम एमर्सन ने 1929 में बताया, एमर्सन इन 1929। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रहा है, और इसको बोलते हैं एसिमिलेटरी नंबर। तो यहाँ से एक समझना है एसिमिलेटरी नंबर या फोटो सिंथेटिक नंबर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल एक्सपोज्ड इन सनलाइट फॉर 1 आवर। सेकेंड आ रहे हैं एंड प्रोडक्ट एक्युमुलेशन, ये क्या रोल प्ले करेगा। तो हम लोग फीडबैक इनहिबिशन के बारे में जानते हैं, जैसे CO2 और H2O कंबाइन करके यहाँ पर C6H12O6 प्लस O2 बनाएगा, बैलेंस कर लेंगे इसको। तो अगर यहाँ पर ग्लूकोज, ये तो ऑक्सीजन है, ये तो एवोपरेट कर जाएगा, लेकिन अगर ग्लूकोज यहाँ एकुमुलेट करता है, ये एकुमुलेट कर गया तो ये इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन देगा। और फीडबैक इनहिबिशन में ये अपना सिंथेसिस को रोक देगा, यहाँ पर इसको इसके साथ में ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो एंड प्रोडक्ट अगर एकुमुलेट करता है तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन कर देगा, फोटोसिंथेसिस इज स्लो डाउन। तो चलो यहीं पर, यहाँ कंप्लीट हो गया फोटोसिंथेसिस को पूरा टॉपिक। तो मैंने सारे टॉपिक को इन दो वीडियोस में कंप्लीट कर दिया। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में। या नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पर करें जो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।